हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक मीटर में। आज मैं आपके लिए ये 2 5-पिन सॉकेट एंड 1 फैन रेगुलेटर एंड 1 लाइट इंडिकेटर के कनेक्शन करना सिखाऊंगा। और ये जो लाइट हमारा इस लाइट को चलाने के लिए ये स्विच हम ज्वाइन करेंगे, और ये स्विच हमारा इस रेगुलेटर को, और ये 2 स्विच इन सॉकेट को चलाने के लिए, और ये हमारा लाइट इंडिकेटर के कनेक्शन होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नीचे वाले ये 2 हमारे सॉकेट है और ये हमारा लाइट इंडिकेटर है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लाइट इंडिकेटर है। सबसे पहले हम जो हमारा फेस आएगा वो हम लाइट इंडिकेटर में ज्वाइन कराएंगे, जैसे कि ये हमारा फेस और न्यूट्रल है। तो आप लाइट इंडिकेटर में दोनों पॉइंटों पे अपना फेस और न्यूट्रल ज्वाइन करा दिए कुछ इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये ज्वाइन करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये बड़ा वायर लूँगा फेस के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट इन स्विच में फेस चाहिए। तो मैं ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन करा दूंगा। अब फ्रेंड्स, अब मैं इसे ये वाला पॉइंट मैं इसमें ज्वाइन करा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फेस लिया है और यहाँ पर मैंने स्विच में फेस ज्वाइन करा दिया है। अब जैसे कि ये स्विच हम ऑन करेंगे, यहाँ पर ये इस पॉइंट में लाइट आ जाएगी, तो इस पॉइंट से हमें इस सॉकेट में ज्वाइन कराना है। उससे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एल लिखा हुआ है और यहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें लाइन देनी है और यहाँ पर हमें न्यूट्रल देना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हर सॉकेट पे लिखा होता है, और ये बीच वाला पॉइंट हमारा अर्थिंग का होता है। तो जिसके घर में अर्थिंग के वायर हो तो आप ये बीच वाले पॉइंट में लगा सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमें एल लिख रखा है, तो ये वाला पॉइंट और ये स्विच का पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। एक बात का फ्रेंड्स ध्यान रखना, आप अच्छे से टाइट करना पड़ेगा जब ये अच्छे से वर्क करेगा, नहीं तो वायर गर्म होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बता दिया है। अब ऐसे ही हमें ये वाला पॉइंट पे भी ज्वाइन करना है, इस वाले यहाँ पर सॉकेट में एल यहाँ पर है, तो हमें ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर ही ज्वाइन करना है। तो हमें छोटे वायर की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर ये छोटा वायर ज्वाइन कर लूँगा। ये सॉकेट का फ्रेंड्स हमारा रेडी हो चुका है, और ये जो हमारा फैन रेगुलेटर का ये जो स्विच है, इसमें भी हमें फेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और ये जो हमने अलग से स्विच लिया है इस लाइट को चलाने के लिए, इसमें भी हमें फेस प्रोवाइड कराना होगा। तो ये वायर का मैं यूज़ करूँगा।
अब फ्रेंड्स हम इस वायर को टाइट कर देंगे। और साथ में इसको भी देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से वायर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन आया हुआ है, ये घूम करके इसमें आया है, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसमें प्रोवाइड करा दूंगा और यहीं से मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो यहाँ से भी दो वायर ले सकते हो। अब मैं एक छोटा सा वायर और लूँगा, इन दोनों को साथ में ज्वाइन करा दूंगा। और ये वाला पॉइंट मैं इसमें ज्वाइन करा दूंगा। अब फ्रेंड्स ये फैन रेगुलेटर का जो वायर हमारा बचेगा, उसमें कोई सा भी एक वायर हमें इस स्विच में ज्वाइन कराना है, ताकि इस फैन रेगुलेटर में स्विच के जरिए पावर आ सके, हमारा जो फेस है वो आ सके। ये मैं ऊपर वाले पॉइंट में डाल देता हूँ, ये हमारा पॉइंट खाली था। अब फ्रेंड्स लगभग हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये जो न्यूट्रल का वायर है इसे लूँगा, ये वाला पॉइंट में ज्वाइन कराऊँगा, और ये जो बल्ब हमारा जो है उसका एक वायर जो मैं सीधा इसमें ज्वाइन करा दूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स बल्ब ये एक लाइट है, हमें इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों प्रोवाइड कराना है, और फेस हमें इस स्विच के जरिए मिलेगा जो हमने ऊपर वाले स्विच रख रखा था अलग से। अब फ्रेंड्स हमें ये जो न्यूट्रल के वायर है वो ज्वाइन करने हैं। मैं यहाँ से ये डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर ले लूँगा। अब फ्रेंड्स हम अभी इसे टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये न्यूट्रल के वायर भी इस बल्ब के सीधे डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, और ये फेस का वायर यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे मैं ये स्विच ऑन करूँगा ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ये किया है कि न्यूट्रल का वायर मैंने इन सॉकेट में भी प्रोवाइड करा दिया है इन वायरों के थ्रू। और आप ये फैन रेगुलेटर का जो एक पॉइंट बचेगा वो हमें एक फ़ैन में लगाना है, कि मैंने यहाँ पर ये बल्ब लिया है, ये एक पॉइंट मैं इसमें ज्वाइन करा दूंगा। फैन के जो हमारे दो वायर निकलेंगे वो उसमें से एक वायर हम फैन रेगुलेटर में लगा देंगे, और दूसरा जो न्यूट्रल का बचेगा वो मैं डायरेक्ट न्यूट्रल में ज्वाइन करा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा मेन फेस और न्यूट्रल के वायर आए, फेस से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लाइट इंडिकेटर है, इसमें दोनों चाहिए, फेस और न्यूट्रल। तो यहाँ पर मैंने फेस दिया इन दोनों स्विच में, इन स्विच के थ्रू हमारे इन दोनों सॉकेट में पावर आ जाएगी, और ये न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कर रखा है। और यहाँ से ये वाला वायर गया है इस स्विच में, और ये वाला वायर गया है इस स्विच में, इन दोनों स्विच में भी पावर आ चुकी है। और ये वाला जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर का वायर है वो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिया, ताकि स्विच हम ऑन करेंगे तो फ़ैन रेगुलेटर हमारा ऑन हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट मैंने सीधे फ़ैन में लगा दिया, मतलब कि बल्ब में लगा दिया है, और
फैन का जो ये दूसरा पॉइंट बचेगा वो हम न्यूट्रल में डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे। और ये वाला लाइट का है जो कि मैंने यहाँ पर न्यूट्रल को ज्वाइन कर दिया और ये वाला स्विच में ज्वाइन कर दिया ताकि स्विच ऑन करे तो ये हमारा लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाए। तो फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन कर दी है और ये हमारा लाइटिंग इंडिकेटर ऑन हो गया है। सबसे पहले मैं ये बल्ब का टेस्ट कराता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बल्ब भी चालू है और उसके बाद मैं ये फैन रेगुलेटर ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे इसकी पावर ऑन हो रही है। अब फ्रेंड्स ये इन सॉकेट को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।